ये जी मेन एंट्रेंस है मियां बख्श साहब के घर की। कि मैं यहाँ पर काफ़ी दफा आ चुका हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ मुझे हमेशा यहाँ पर तरोताज़ा फीलिंग जो है ना वो फील होती है। ये जूते उतारने की जगह, यहाँ पर हम जूते उतारेंगे। और ये सर मियां मंदलोक साहब का पुराना घर, ये देखिए माशाल्लाह। आगे चलते हैं। ये या अल्लाह या मोहम्मद उसी दौर का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हज़रत मियां मोहम्मद बख्श। और ये इनके रूम्स, ये इनकी रिहाइश। ये दरवाज़ा इनका पुराने दौर के नक्श नगार देखें आप कितने खूबसूरत तरीके से हैं। ये सब हाथ से बनाया हुआ। चलो जाम खेलो चल के। फातमे तक मोड़ को देख, बहुत सारे हैं के लिए। अच्छा जी, सुब्रा बेगम भट्ट दुखसर अब्दुल करीम, ये डिंगा तहसील खारी के जी, ये इन्होंने साल सवाब के लिए या वटैवर लगाया है। तो दोबारा हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, अगर ये जिंदा हैं और अगर ये इस दुनिया से चली गई हैं तो भी अल्लाह ताला इनके लिए अगले जहाँ में आसानियाँ पैदा करें। ज़ियान एंटर होते साथ ही हमारे लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा ये बाजार है। यहाँ से आप लोग चीज़ें वगैरह परचेज कर सकते हैं अपने लिए, घर के लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाना चाहते हैं। देखिए ये औरता का सामान है कुछ, और ये तस्बीहें वगैरह इधर लगी हुई हैं, और ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन टाइप के यहाँ पर पर्स वगैरह लगे हुए हैं औरतों के। चलें जी, रश बहुत ज़्यादा है, हम इस देर से ही टर्न कर जाएंगे इस साइड पर। ये देखें कितने प्यारे पूल लगे हुए हैं बेबीज़ के लिए, टेडी बियर्स, पूल्स, व्हाटएवर। इसके बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो ये मेन मस्जिद है, और मस्जिद के इस साइड पर जो रूमिया कश्मीर हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब हैं, इनका मज़ार है। और इस मज़ार के पहले इस मज़ार को चल के देखते हैं, उसके बाद फिर मैं साथ जो एक और बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ की उनका मज़ार है उसकी भी आपको, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये
ये पकड़ो मेरी तरफ। ये भी हम बहुत शौक का बिहार है, पहले अपना खाद्य पानी करते हैं फिर अगले बाजार के लिए चलते हैं। Now we are moving to another tomb, and that is Ow. ये मज़ार है जनाब, ये तो लिखा हुआ है पढ़ते हैं हम, जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, ये वज़ीर आज़म है हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के।